हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट अ हेयर रीग्रोथ सीरम जिसने मेरे हेयर फॉल कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अराउंड 4 मंथ पहले मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, तो मैंने ये हेयर सीरम परचेज़ किया क्योंकि इसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। इंटरनेट पे इसके बारे में ही सब बात कर रहे हैं, हेयर फॉल कंट्रोल में बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। सो दैट्स वाई आई परचेज दिस सीरम। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसका ट्राई करूँ। सो दिस इज़ द सीरम विच आई एम टॉकिंग अबाउट। सो ये है विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम कंसनट्रेट। येस, दिस सीरम इज़ वेरी अमेजिंग। तो इस वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूँगी कि आप इस सीरम को कैसे यूज़ करें, कब यूज़ करें और कितना यूज़ करें। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। द बेस्ट फॉर्मुलेशन और ऑल्सो विश केयर एक इंडियन ब्रांड है। आपने विश केयर के बारे में रील्स पे, शॉर्ट्स पे, इंटरनेट पे सीरम के बारे में बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, बहुत जगह पढ़ा होगा। तो यस, सारे क्लेम्स इसके सही हैं। ये सीरम आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। अगर आपको हेयर थिनिंग है तो आप ये सीरम ज़रूर ट्राई करें एक बार। अगर आपको बाल पैचेस हैं तो ये सीरम वहाँ पे भी हेयर रीग्रोथ करता है। सो आप देख सकते हैं ये मेरे हेयर ग्रोथ भी इस सीरम की हेल्प से ही हुए हैं। मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाल पैच हो गया था, तो मैंने यहाँ पे ये सीरम का ज़्यादा यूज़ किया है और इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि सीरम में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इस सीरम में 3% रेडेंसिल, 4% एनागेन, 2% बाइकैपिल, कैफीन, बायोटिन, प्लांट कैरेटीन एंड राइस वाटर प्रेजेंट है। तो इसमें जो 3% रेडेंसिल है वो आपके हेयर फॉलिकल को टारगेट करता है, जिससे आपका हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट होता है। नेक्स्ट इज 4% एनागेन, जो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। इसमें 2% बाइकैपिल है, जो आपके हेयर डेंसिटी को बढ़ाता है, एंड कैफीन है, जो आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, और बायोटीन, प्लांट कैरेटीन एंड राइस वाटर, ये आपका हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है। सो दिस इज़ हाउ दिस बॉटल लुक लाइक। इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किया था, उसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि इसको ओपन कैसे करते हैं, तो मैं आपको ये ओपन करके दिखाऊंगी। ये बहुत ही ईजी है। आपको ये बॉटल का जो ये टिप है, इसमें जो कैप लगी है, इसको ऐसे रिमूव करना है ओनली। मतलब इतना ईजी है इसको ओपन करना, लाइक दिस। आपको इसको ऐसे ओपन कर लें, तो इसको अप्लाई करना बहुत ही इजी है। आपके इसके कैप को ऐसे रिमूव करके, इसका जो नोज़ल दिया है, इसकी हेल्प से आप इसे स्प्रे करें डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे, जहाँ पे आपको ये सीरम लगाना है, यहाँ पे इसे स्प्रे कर लें, लाइक दिस। ऐसे आप इसे स्प्रे कर लें। तो ये सीरम बहुत ही लाइट वेट है, तो मैं यूजुअली इसे नाइट टाइम पर ही यूज़ करती हूँ। मैंने इस सीरम को मोस्टली इस एरिया पे और यहाँ पे इसे यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे मेरा हेयर डेंसिटी बहुत कम हो गया था। पूरे स्कैल्प पे ये 3-4 पंप ही इसका इनफ है। आप इसे पूरे स्कैल्प पे पंप कर लें, जहाँ पे आपको लगता है आपकी हेयर डेंसिटी कम है वहाँ पे इसे पंप कर लें, और देन आप इसे अच्छे से मसाज कर लें फिंगर टिप से, या आपके पास स्कैल्प मसाजर है तो हल्के हाथों से इसे मसाज करें, ताकि ये आपके रूट्स तक पहुँच जाए। आपको ये सीरम ओनली स्कैल्प पे यूज़ करना है, हेयर लेंथ पे आपको ये यूज़ नहीं करना है। ये सीरम बहुत ही लाइट वेटेड है, तो आपको ये अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट डे हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो रेगुलर हेयर वॉश रूटीन है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। टेक्सचर बहुत ही लाइट वेट है, तो ये इजीली हमारे स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये सीरम रेगुलर यूज़ करना होगा फॉर गुड रिज़ल्ट। मुझे अराउंड 3-4 वीक्स में इसका रिज़ल्ट शो होना स्टार्ट हुआ था। तो इट डिपेंड्स ऑन योर हेयर कंडीशन। अगर आपको कोई भी हेयर इशू है जो मैंने ये वीडियो में बताया है, तो आप ज़रूर परचेस करें ये सीरम, इसे सीरम को एक ट्राई दें। सो दैट्स इट, दिस इज़ माई रिव्यू अबाउट दिस सीरम। ये सीरम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।